अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी चिकन फ्राई। ये तो सभी को पसंद आता है, ऑल टाइम फेवरेट है सभी का। इसको बनाना बहुत ही आसान है, एकदम क्रिस्पी बनाएंगे, अंदर से जूसी बनाएंगे। चलिए इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है देख लेते हैं। 3 टीस्पून जितना अदरक लहसुन पेस्ट ले लेंगे, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला ले लेंगे, 1 नींबू का रस ले लेंगे, 3 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून जितना नमक ले लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, फूड कलर ऑप्शनल है, 4 टेबलस्पून जितना बेसन ले लेंगे, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी ले लेंगे, 1 अंडे का सफ़ेदी ले लेंगे। ये 1 किलो चिकन है, अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, 1 टीस्पून जितना नमक को डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, 3 टीस्पून जितना लाल मिर्च है इसमें 2 टीस्पून जितना डाल लेंगे, 1 टीस्पून बाद में यूज़ कर लेंगे। हम तीखा कम खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए आपके हिसाब से। 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा है ये। 1 नींबू का रस को डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी को डाल लेंगे, 2 टीस्पून जितना गरम मसाले को डाल लेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, सारे मसालों को चिकन में डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मसालों को अच्छे से चिकन में लगा लिया है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे, सेकंड मैरिनेशन है ये। अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है, इसमें पानी डाल लेंगे और इसको छान लेंगे। हम सिर्फ पानी लेंगे, इसका जो पल्प रहता है उसको निकाल लेंगे, उसको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ पानी डाल के इसको अच्छे से छन्नी में इस तरह से छान लेना है। ये सेकंड मैरिनेशन के लिए यूज़ होगा। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 3 बड़े टेबलस्पून जितना। चार बड़े टेबलस्पून जितना बेसन को डाल लेंगे। ये थिक सा बैटर बनाना है ताकि हमारे चिकन अच्छे से क्रिस्पी बन सके, लम्स ना आए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। फूड कलर डाल लें थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। कलर डालने से एक अच्छा सा कलर आएगा हमारे चिकन में। 1/4 टीस्पून जितना नमक को डाल लेंगे, 1 टीस्पून जितना मिर्ची को बचा लिया था उसको डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक मिर्ची, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए नमक और मिर्ची। इस तरह से अच्छे सा एक थिक सा बैटर बना लें, लम्स ना रहे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। इस बैटर को चिकन में डाल देंगे। एक अंडे की सफेदी को डाल लेंगे। अब अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से मसाला लग गया है चिकन में, इसमें अच्छे से मसाला लग गया है और एक अच्छा सा कोटिंग आ गया है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल को ले लेंगे पैन में, मीडियम हीट कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कर लेना है। एक एक पीसेस को अलग अलग डाल लें, नहीं तो चिपक जाएंगे। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक पकने तक फ्राई कर लेना है।
चिकन को बिल्कुल ना हिलाएं 2 मिनट तक। इस तरीके से चम्मच से तेल को ऊपर डालते जाएं ताकि कोटिंग नहीं निकले। आप बीच में ना हिलाएं, नहीं तो कोटिंग निकल जाता है। 2 मिनट के बाद इसको पलट लें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चिकन में। इस तरह से सारे पीसेस को पलट पलट के फ्राई कर लें। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए एक टिप देना चाहूँगी। चिकन फ्राई होने के बाद इसको साइड में रखते पूरा ठंडा कर लें। फिर एक बार आप फ्लेम को हाई रख के तेल को अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद चिकन को डाल लें, जो फ्राई करके ऑलरेडी रखा था उसको डाल के 1 मिनट तक फ्राई कर लें। इस तरीके से करने से हमारा चिकन एकदम क्रिस्पी बनता है और अंदर से जूसी बनता है। एक छोटा सा टिप है, आप आजमाएं इस टिप को, आपका चिकन फ्राई एकदम क्रिस्पी और जूसी बनेगा। आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें, इतना टाइम लगता है चिकन फ्राई होने के लिए। उसके बाद निकाल लें। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है ये रेसिपी। इसी तरह से बचे हुए चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। देखिए चिकन पे कितना अच्छा सा कोटिंग आ गया है, एकदम क्रिस्पी बना है ये। डिश आउट करके दिखाती हूँ, देखिए इतना बेहतरीन बना है हमारा चिकन फ्राई। डिश आउट कर लेंगे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा चिकन फ्राई। दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, खाने में ही उतने ही यम्मी बना है, क्रिस्पी बना है, जूसी बना है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस तरह से एक बार चिकन फ्राई को बना के देखें, आपको अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।